गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। जामा मस्जिद व मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट बंद कर दिए गए हैं। वहीं लाल किले पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में अब तक करीब 2 दर्जन FIR दर्ज की है। यहां आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड ट्रैक से उतर गई। इसकी शुरुआत सुबह 8:30 बजे जबरदस्ती दिल्ली में दाखिल होने से हुई थी। दिन भर हिंसा और उत्पात के बाद आखिरकार किसान संगठनों ने शाम को इसे तुरंत बंद करने का ऐलान किया। 11 घंटे की इस परेड के दौरान किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, पुलिस वाहन और सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने रोका तो उनसे भिड़ गए और पत्थरबाजी भी की। कुछ ने तो पुलिस पर ट्रैक्टर तक चढ़ाने की कोशिश भी की। प्रदर्शन के दौरान निहंगों के जत्थे ने तलवारें लहराई। आपको यहां बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में अब तक करीब 2 दर्जन FIR दर्ज की है। आज दोपहर दिल्ली पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जानी है। लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुए तांडव की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। यहां कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, ऐसे ही तोड़ दिए गए और वहां पर मौजूद झांकियों को नुकसान पहुंचाया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी लाल किले पहुंचकर नुकसान का जायजा ले चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी कल की घटना को लेकर बैठकें चल रही हैं। यहां यह भी बता दें कि CRPF DG बुधवार सुबह गृह मंत्रालय पहुंचे, जहां वो गृह सचिव अजय भल्ला को लाल किले में हुई घटना की जानकारी देंगे। मंगलवार को किसानों के उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर समेत कई इलाकों में आज सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी है। मंगलवार को 12 बजे किसानों की परेड शुरू होनी थी, लेकिन किसान गणतंत्र दिवस की परेड से पहले जबरन दिल्ली में घुस गए। ITO पर ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। लाल किले में घुसकर हजारों प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक झंडा लहराया। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव पर पुलिस लगातार एक्शन में है। हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 22 FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं गणतंत्र दिवस पर किसानों के उपद्रव को देखते हुए दिल्ली में बुधवार को कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पुलिस मुस्तैद है। वहीं हालात को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भी अहम फैसला लिया है। इसके तहत लाल किला मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश द्वार को बंद रखा गया, जबकि स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो के अन्य सभी मेट्रो स्टेशन पर यात्री सेवाएं सामान्य हैं। माना जा रहा है कि ऐसा किसान के दोबारा संभावित उपद्रव के चलते किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को उत्पात के चलते दिल्ली मेट्रो के 7 कॉरिडोर के करीब 60 स्टेशन बंद किए गए थे। हालांकि रात 8 बजे फिर से सभी मेट्रो स्टेशन पर परिचालन सामान्य कर दिया गया। जो स्टेशन बंद रहे उनमें येलो लाइन के 11 स्टेशन व ग्रीन लाइन के 22 स्टेशन समेत दिल्ली के 60 स्टेशन बंद रहे। इसी बीच यात्री को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार जानकारी देता रहा। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी लाल किले पहुंचकर जायजा लिया। गौरतलब है कि किसानों ने मंगलवार को अपनी ट्रैक्टर परेड तय वक्त से पहले शुरू की थी। पुलिस ने परेड के लिए मंगलवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक के वक्त का रूट तय किया था। दिल्ली में दाखिल होने के लिए सिंधु टीकरी और गाजीपुर एंट्री पॉइंट बनाए गए थे, लेकिन किसान सुबह 8:30 बजे ही इन एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती घुस गए और अपनी परेड शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि दिन भर चली हिंसा में 300 जवान घायल हो गए हैं। दिल्ली में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। शाह ने राजधानी में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां भेजने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस में 7 FIR दर्ज की गई। वहीं दिल्ली की हिंसा के बाद हरियाणा के कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही दिल्ली से सटे 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट और सर्विस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बताते चले कि किसानों ने अपनी परेड तय वक्त से करीब 3.5 घंटे पहले ही शुरू कर दी। किसानों ने शुरुआत से ही तय रूट को फॉलो नहीं किया। सबसे पहले सिंधु बॉर्डर से किसान दिल्ली में दाखिल हुए, यहां बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद टीकरी और गाजीपुर में भी किसानों ने इसी तरह से दिल्ली में एंट्री की।
ट्रैक्टरों पर सवार किसानों की तादाद और तेवर देखकर पुलिस भी यहां से पीछे हट गई। गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों को पुलिस ने दोपहर करीब 12:30 बजे नोएडा मोड़ पर रोक दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसी जगह पर निहंगों का जत्था तलवार लहराता भी नजर आया। पुलिस का दावा है कि किसानों ने पांडव नगर पुलिस पिकेट पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। किसानों ने ट्रैक्टर परेड का रुख इंडिया गेट की तरफ मोड़ने की कोशिश की, यहीं पर पुलिस ने उन्हें रोका। किसान नहीं माने तो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कई पुलिस वाले और आंदोलनकारी भी घायल हुए हैं। यहां बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे एक आंदोलनकारी की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। ये किसान उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला नवनीत था। वह हाल ही में शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत आया था। सिंधु बॉर्डर से चले किसानों ने रूट बदला और वो लाल किले की ओर बढ़े। दोपहर करीब 2 बजे हजारों किसान जबरदस्ती लाल किले के भीतर दाखिल हुए और बाहर अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए। यहां पुलिस के साथ हाथापाई की, तोड़फोड़ मचाई और फिर प्राचीर पर चढ़ गए। हल्ला गुल्ला और हंगामे के बीच एक युवक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने पोल पर चढ़कर खालसा पंथ का झंडा लगा दिया। यहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। करीब 1.5 घंटे तक किसान यहां उपद्रव करते रहे। पुलिस को इन्हें खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। आईटी और सेंट्रल दिल्ली में किसानों के दाखिल होने के बाद तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनें करीब 2 घंटे तक रोक दी गई। इसके बाद जामा मस्जिद, दिलशाद गार्डन, झिलमिल मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। ग्रे लाइन पर भी 4 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए। इनके अलावा इंद्रप्रस्थ, समयपुर, बादली, रोहिणी, सेक्टर 18-19, हैदरपुर, बादली मार, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा और सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन करीब 2 घंटे तक बंद रहे। हिंसा के मद्देनजर इंटरनेट सर्विस भी कुछ वक्त के लिए रोक दी गई। वहीं ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसक घटनाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि कानून हमारी ओर से नहीं तोड़ा गया। यहाँ यह भी बताते चले कि टीकरी बॉर्डर पर 26 जनवरी की सुबह 6 बजे से ही किसानों में गजब का जोश दिख रहा था। देशभक्ति के गानों में किसानों की नारेबाजी खुल रही थी। यहां तक नजर जाती ट्रैक्टरों की अंतहीन कतार दिख रही थी। हर ट्रैक्टर पर लहरा रहा तिरंगा एक अलग नजारा पैदा कर रहा था। पुलिस का कहना था कि गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद बैरिकेड्स हटाए जाएंगे, लेकिन बैरिकेड्स के पास किसानों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। वक्त बढ़ने के साथ उत्तेजक नारेबाजी शुरू हो गई। धीरे धीरे किसानों की तरफ से दबाव बढ़ रहा था और लगने लगा था कि युवा किसान अब ज्यादातर इंतजार नहीं करेंगे। पुलिस को आखिरकार 9 बजे ही बैरिकेड खोलना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 32 किसान संगठन ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस की ओर से तय किए गए रूट पर ही चल रहे थे। हम जानते हैं कि कौन रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। ये उन राजनीतिक दलों के लोग हैं जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। वहीं किसान आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे देश के लिए कलंक करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर किसी को आंदोलन की इजाजत देता है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन और JBD